बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान, इनका स्टारडम ऐसा है कि हर कोई इनका फिल्म इंडस्ट्री में दीवाना है। आलम तो यूं है कि भाईजान सलमान खान के नाम से ही फिल्में 100-200 करोड़ आसानी से कमा ले जाती हैं। जाहिर सी बात है, सलमान खान ने स्टारडम पाने के लिए कड़ी मशक्कत भी की है। भले ही उनका परिवार फिल्मी घरानों से ताल्लुकात रखता था, लेकिन बावजूद इसके अपने पैर जमाने के लिए सलमान खान ने इंडस्ट्री में काफी पापड़ भी बेले हैं। इसका फल आज उन्हें एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर मिला है। अब सलमान खान इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जो अपने गुस्सैल रवैये के लिए काफी ज्यादा मशहूर रह चुके हैं। उनको लेकर एक बात कही जाती है कि सलमान खान कभी भी उस शख्स को नहीं छोड़ते हैं जिन पर उनका दिल आ जाता है, और उस शख्स को भी नहीं छोड़ते हैं जो उनका दिल दुखा देता है। सलमान खान दोनों ही मामलों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कई बार ऐसे भी मामले आए हैं जब सलमान खान को कई लोगों के साथ झुकना पड़ा। वैसे इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका मतभेद सलमान खान के साथ हुआ है, और उन कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर सलमान खान काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी बने हैं। लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा भी सितारा रहा है जिसका सलमान खान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, और ये सितारे थे जैकी श्रॉफ। जग्गू दादा की बात करें तो सलमान खान उनके साथ कई सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अभी हालिया में सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई में भी जैकी श्रॉफ ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब सलमान खान जग्गू दादा को देखना तक नहीं पसंद करते थे, और इसके पीछे वजह बनी थी सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी। ये बात उस दौर की है जब सलमान खान नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, और उनकी कथित गर्लफ्रेंड पहली जो बनी थी वो थी संगीता बिजलानी। इस अफेयर को लेकर सलमान खान काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी बने थे, और सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियां भी बटोरे थे। लेकिन बावजूद इसके संगीता बिजलानी का लगाव उस समय जैकी श्रॉफ के साथ ज्यादा होने लगा, और ये बात जब सलमान खान को पता लगी तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। संगीता बिजलानी उनका प्यार था, इसलिए उन्हें वो कुछ ना कह सके, लेकिन सलमान खान का गुस्सा जैकी श्रॉफ पर देखने को मिला। करीब 10 सालों के बाद सलमान खान का ये गुस्सा ठंडा पड़ा। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संगीता बिजलानी मिस इंडिया रह चुकी हैं, और अपनी खूबसूरती को लेकर एक समय वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती थी। जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने एक बार करीब लगातार 3 फिल्में की, और तीनों ही फिल्मों में जग्गू दादा के साथ उनकी बॉन्डिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा इंजॉय भी किया। इज्जत, त्रिदेव, लक्ष्मण रेखा, ये वो फिल्में थीं जिन फिल्मों में जग्गू दादा के साथ संगीता बिजलानी को देखा गया, और इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान जग्गू दादा के प्यार में संगीता बिजलानी कुछ इस कदर सलमान खान को भूल गई कि उन्होंने सलमान खान को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद ये सारा बवाल हो गया। तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान संगीता बिजलानी का लगाव धीरे धीरे जैकी श्रॉफ के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया, और जब ये बात सलमान खान के कानों तक पहुंची तो सलमान खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन सलमान खान नए नए थे, अगर वो उस वक्त कुछ पंगा ले लेते तो शायद उनका करियर खत्म हो जाता। सलमान खान चुप्पी साधे रहे। वहीं दूसरी ओर सलमान खान का पारा तब बढ़ गया जब संगीता बिजलानी ने सलमान खान को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी कल्पना भाईजान सलमान खान ने कभी भी ना की थी। दरअसल हुआ यूं कि जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी थी, और मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब संगीता बिजलानी से उस दौर में पूछा जाने लगा कि जैकी श्रॉफ या फिर सलमान खान कौन है आपके लिए सबसे बेस्ट, तो संगीता बिजलानी ने एक टुक में जवाब दे दिया था, जैकी श्रॉफ। और जब ये खबर सलमान खान तक पहुंची तो सलमान खान को गहरा झटका लगा। संगीता बिजलानी को तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कभी भी कोई ना फिल्म करने की कसम तक खा ली, लेकिन ये कसम ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। करीब 10 सालों के बाद सलमान खान को खुद जैकी श्रॉफ के सामने झुकना पड़ा, और इन दोनों ने बंधन फिल्म में काम किया। इस फिल्म में सलमान खान जैकी श्रॉफ को ये कहते हुए नजर आते थे कि जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। हालांकि बंधन फिल्म करने के बाद क्योंकि भारत और अभी हालिया में रिलीज हुई फिल्म राधे में भी सलमान खान को जैकी श्रॉफ के साथ देखने को मिला। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि सलमान खान जिनका गुस्सा अगर किसी पर आ जाता है तो उस कलाकार की तरफ वो देखना तक नहीं पसंद करते। लेकिन इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी सितारे हैं जिनके सामने सलमान खान को खुद ही झुकना पड़ा। उन अगर स्टार्स की तरफ नजर डालें तो उनमें जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी, शाहरुख खान जैसे कई बड़े सितारे हैं जिनका सलमान खान के साथ बहुत ज्यादा विवाद हुआ, लेकिन बावजूद उसके सलमान खान इन सितारों के बिना रह नहीं पाए।